हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर थ्री ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास नाइन दैट इज़ पावर्टी एज़ चैलेंज और इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि पावर्टी होती क्या है रूरल uh, एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में क्या क्या, -क्या केसेस होते हैं पावर्टी के क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं पुअर पीपल वो सब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस क्या होती हैं कॉजेज़ क्या होते हैं पावर्टी के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग सबसे पहले हम ओवरव्यू रीड करेंगे दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया पावर्टी आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डाइमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स द चैप्टर डिस्कसिज द वे पावर्टी इज सीन इन सोशल साइंसिस पावर्टी टें इंडिया

और पावर्टी को मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया है क्योंकि पावर्टी के होने से सिर्फ़ पुअर लोग आ, हम ये नहीं कह सकते अगर हम पुअर की एक इमेज अपने दिमाग में बिठाते हैं तो हमें एक पतला दुबला सा कोई इंसान नज़र आएगा जिसके कपड़े फटे हुए हैं जो बुरे हालात में हैं तो इस तरह से हम आ, एक पुअर इंसान को जज करते हैं तो सिर्फ पावर्टी होने से ये नहीं कि उसको खाना नहीं मिल रहा सबसे पहली बात दूसरी बात कि उसको अच्छे अच्छा रहन सहन नहीं मिल रहा उसको अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे उसको अच्छे रहने की जगह नहीं मिल रही उसको हाइजीन नहीं मिल रहा और पावर्टी होने के कारण जो है उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही अच्छी एजुकेशन ना होने के कारण उसको एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पावर्टी होने के बाद इसीलिए पावर्टी को डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया है और जो वर्ल्ड है या फिर इंडिया है वो पावर्टी को कैसे जज करता है कि पावर्टी लाइन बना दी गई है एक बिलो पावर्टी लाइन या जो लोग उससे ऊपर हैं उनको पावर्टी लाइन में नहीं रखा जाता तो उस वो लाइन क्या है वो सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन आर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी पीपल हु हैव थिंक वी आर पुअर दे कुड be लैंड लेस in इन द or living और लिविंग इन ओवर cities झुग्गीज़ इन सिटीज़ तो गाँव में अलग तरह के गरीब होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती या वो लेबर का, का काम करते हैं और शहरों में भी लेबरर हो सकते हैं वो कहाँ रहते हैं झुग्गीज़ झोपड़ी में शहरों में अलग से इस्लाम एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट फॉर चाइल्ड वर्कर इन ढाबाज कंस्ट्रक्शन साइट पे देख सकते हैं हम बहुत सारे गरीब रहते हैं या फिर ढाबाज में जो बच्चे काम करते हैं वो भी बहुत पुअर होते हैं दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टैडर्स वी सी पावर्टी ऑल अराउंडर्स इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर तो हम बहुत सारे भिकारी देख सकते हैं इंडिया में जो जगह uh, जगह बैगिंग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में uh, अगर हम काउंट करें इसका अकॉर्डिंग टू द डाटाज एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर दिस मीन्स रफली टू सेवेंटी मिलियंस यानी ट्वेंटी सेवन करोड़ लोग हैं जो uh, बिल्कुल पुअर हैं इंडिया में लिव इन पावर्टी टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व के डा डाटाज हैं ये दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड दिस इलस्ट्रेट द सीरियस ऑफ द चैलेंज तो इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया एक लौता देश है जिसमें इतने पुअर हैं तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए कि किस तरह से इस चैलेंज को इंडिया जो है ओवरकम करता है तो सबसे पहले आ, टू टिपिकल केसेस ऑफ़ पावर्टी हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं सबसे पहली स्टोरी है अर्बन केस है रामसरन का तो लेट्स रीड दैट स्टोरी थर्टी ईयर ओल्ड रामसरन वर्क works as अ डेली वेज लेबर इन द वीट फ्लोर मार्केट near रांची इन झारखंड झारखंड की बात है रांची में एक पुअर फार्मर है वेजेज वर्कर है सॉरी राम सरन है उसका नाम डेली वेज लेबर है ये वीट फ्लोर मिल में यानी वीट फ्लोर की एक मिल है वहाँ पर ये लेबर का काम करता है और बहुत गरीब है ही मैनेज टू अर्न अराउंड रुपीज़ फिफ्टीन हंड्रेड अ मंथ वेन ही फाइंडस एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन तो ये पंद्रह सौ रुपये के करीब कमा लेता है एक महीने में बट तभी जब इसको काम मिलता है क्योंकि मज़दूर है जब भी मजदूरी मिलती है तभी ये इसको काम मिलता है अदरवाइज़ ये फ्री होता है द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज़ लाइफ ऑफ सिक्स दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड फोर चिल्ड्रन एज बिटवीन ट्वेल्व ईयर्स टू सिक्स मंथ तो इतनी मनी uh, काफ़ी नहीं है क्योंकि इसकी फैमिली में सिक्स मेम्बर्स हैं Uh, दो ये खुद हैं हस्बैंड वाइफ और uh, चार इनके बच्चे हैं तो बच्चों की एज भी ट्वेल्थ से लेकर सिक्स मंथ तक है तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना ही हैज़ सेंट होम टू हिज ही हैज़ सेंट मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव्ड इन द विलेज नियर रामगढ़ हिज़ फादर इज़ अ लैंडलेस लेस लेबर डिपेंड्स ऑन रामसरन एंड हिज ब्रदर हु लिव इन हज़ारीबाग तो इसको अपने पेरेंट्स को भी मनी भेजनी होती है जो इसके ऊपर डिपेंड है इसके ब्रदर भी है वो भी भेजता है और वो कहाँ रहता है हजारीबाग में फॉर सस्टेनेंस uh, रामसरन लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी सिटी के बाहर एक एरिया में रहता है राम और वन रूम है इसके पास और उसी में सब कुछ है तो शहर के इस्लाम एरिया बोल सकते हैं हम वहाँ पर रहता है जो कि ओवर है इट्स अ क्ले टाइल्स इट्स अ टेम्प्ररी शैक बिल्ड विद क्ले टाइल्स हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस एंड मैनेज टू अर्न अनदर रुपीज़ एट हंड्रेड तो इसकी जो वाइफ है वो भी घरों uh, में कुछ कुछ घरों में काम करती है और रुपीज़ एट हंड्रेड कमा लेती है दे मैनेज टू मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे तो दिन में दो टाइम का खाना ये इस तरह से जुटाते हैं और बट देयर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ दिम लेकिन जो खाना ये जुटा पाते हैं वो इन्हें कभी भी काफ़ी नहीं रहता कम पड़ जाता है हिज एल्डर्स एंड वर्क एज अल्पर इन द टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्ड अनदर रुपीज थ्री हंड्रेड वाइल हिज टेन ईयर्स ओल्ड ओटर टेक केयर ऑफ़ यंगर सिबलिंग्स तो उसकी जो बेटी है वो अपने भाई बहनों की देखभाल करती है घर पे ही रह कर उसका जो बेटा है वो एक दुकान पर लगा हुआ है वहाँ पे हेल्पर का काम करता है और जो है तीन सौ रुपये उसको भी मिल जाते हैं नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल दे हैव ओनली टू पेयर्स ऑफ हैंडमी डाउन क्लोथ्स ईच तो किसी के पास भी आ, उनकी फ़ैमिली में से मैं कहूँ कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं हैं ना कोई बच्चा स्कूल जाता है और वो जो है आ, एक कपड़ा पहनते हैं और एक रख देते हैं तो दो ही पेयर हैं हार्डली उनके पास पहनने के लिए न्यू क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल तो वो खरीद ही नहीं सकते नए क्लोथ्स शूज़ आर लग्जरी तो शूज़ उनके लिए एक लग्ज़री है और नए कपड़े उनके पास हैं ही नहीं द यंगर किड्स आर अंडर नॉरिश्ड जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे हैं वो अंडर नॉरिश्ड हैं यानी वो बहुत दुबले कमज़ोर हैं दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर वन दे फॉल इल जब वो बीमार हो जाए तो उनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो uh, डॉक्टर के पास जा सकें या अपनी हेल्थ का ट्रीटमेंट करवा सके तो uh, आप देख सकते हैं कि सिचुएशन बहुत ही uh, बहुत ही पिटिएबल है ना उनके पास ढंग से खाने को है ना उनके पास पहनने को है ना उनके पास रहने की एक अच्छी जगह है और लेबर का, का काम करते हैं फादर और अगर कोई फैमिली में बीमार पड़ता है तो उसको ट्रीट कराने के पैसे भी उनके पास नहीं हैं तो ये तो थी अर्बन लाइफ की बात जो कि पुअर फेस करते हैं और आपने ये भी देखा कि इस्लामी एरियाज़ में वो रहते हैं आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी उसके बाद हम आते हैं रूरल एरिया में कि रूरल एरियाज़ में क्या होता है तो एक और स्टोरी है छोटी सी वो हम रीड करते हैं लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश हिज फैमिली डिजेंट ऑन एनी लैंड सो दे डू और जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स वर्क इन रेटिक एंड सो इन इनकम सो इज़ इनकम तो लखा सिंह एक किसान है वो मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में रहते हैं गांव में अपनी उनके पास कोई अपनी लैंड नहीं है तो और जॉब्स करते हैं जब काम मिल जाए तो करते हैं और बड़े बड़े किसानों के यहाँ वो एज अ लेबरर काम करते हैं और वो बहुत ही आ, अजीब आ, अजीब भी कहूँगी और प्लस बहुत ही दयनीय है उनकी स्थिति क्योंकि इनकम भी पूरी नहीं है एट टाइम दे गेट पेड रुपीज़ फिफ्टी फॉर अ हार्ड डे ऑफ वर्क तो रुपीज़ फिफ्टी मिलते हैं पूरा दिन काम करके बट ऑफन इट्स काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट एंड दाल और इवन वेजिटेबल फॉर्ट ऑयलिंग द फार्म थ्रू डटे तो उसको जो है कुछ किलो वीट और दाल भी मिल जाते हैं कि ताकि वो अपना घर चला सके द फैमिली ऑफ़ एट के नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वेयर मील्स अ डे तो दो वक्त का खाना भी वो अपनी फैमिली को नहीं दे पाता द फैमिली ऑफ एट के नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्र तो फैमिली में मेम्बर्स कितने हैं एट मेम्बर्स हैं और वो नहीं अफोर्ड कर पाता उनको खाना देना लखा अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज तो ये भी गांव के बाहर वाले एरिया में एक कच्ची हट में रहता है झोपड़ी में रहता है द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉर्डर एंड कलेक्टिंग द फायर वुड्स इन द फील्ड तो ये घास काटती हुई इनकी जो फैमिली की औरतें हैं वो घास काटती हैं और क्या करती हैं फायरवुड uh, इकट्ठा करती हैं जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी है, करती हैं सारा दिन हिज़ फादर इज़ अ टी बी पेशेंट पाजड अवे टू ईयर्स अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन जो इसके लखा सिंह के फादर थे उनको टी बी था बट उनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दी गई या नहीं दे पाए मैं कहूँगी तो इसी लिए उनकी डेथ हो गई है दो साल पहले हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिसीज़ एंड द लाइफ लोली एबिंग uh, अवे तो उनकी मदर को भी सेम प्रॉब्लम है और उनकी भी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है ऑल दो द विलेज हैज़ प्राइमरी स्कूल लखा नेवर वेंट देअर हिज ही हैजार्ट स्टार्ट स्टार्ट अर्निंग वेन ही वॉज टेन ईयर्स ओल्ड न्यू क्लोथ हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली तो आप देख सकते हैं कि स्कूल कभी गया नहीं लखा और गाँव में स्कूल है गवर्नमेंट लेकिन उसमें भी वो कभी नहीं गया क्योंकि उसको वो दस साल की उम्र में ही कमाने लगा था तो उनकी फैमिली में कोई ऑयल या सॉप नहीं है उनके घर पे बिकॉज ये भी उनके लिए अफोर्ड कर पाना एक लग्जरी की तरह है तो आप देख सकते हैं स्टडी द अबाव केस ऑफ़ पावर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू द पावर्टी आपको पता चल गया लैंडलेसनेस क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट uh, क्या होती है साइज ऑफ़ फैमिली मैटर करता है क्योंकि देर इज़ अ बिग साइज़ ऑफ़ फैमिली एक की फैमिली में सिक्स मेम्बर्स हैं एक की फैमिली में एट मेम्बर्स हैं तो इलिट्रेसी होती है ड्यू टू पावर्टी उसके बाद पुअर हेल्थ माल न्यूट्रिशन होता है चाइल्ड लेबर बनते हैं और हेल्पलेसनेस तो रहती ही है तो ये सब हमने दो स्टोरी पढ़ी पावर्टी के बारे में एक थी रूरल एरिया की और एक थी अर्बन एरिया की नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम तो उसके लिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग